मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 सीटों को लेकर कांग्रेस गठबंधन से अब तक बात नहीं बन पाने से नाराज सपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने कड़े तेवर दिखाए। मंगलवार को उनका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मंगलवार शाम तक 3 सीटों पर कांग्रेस की ओर से हरी झंडी न मिलने पर इसका खामियाजा चुनाव में भुगतने की चेतावनी दे दी। वीडियो का संज्ञान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया और इस तरह की बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस में मत जो भेद हैं, जो मनमुटाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में एक बड़ी फूट की बड़ी वजह भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने हैं और उन चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो है हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कांग्रेस से सीटों को लेकर अभी कोई सहमति मिलती हुई सही से नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो हरियाणा कांग्रेस है वो किसी भी प्रकार से ना ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रही है और ना ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाह रही है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हरियाणा में ना ही आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है और ना ही समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी को टिकट सीट नहीं देना चाह रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यही सेम चीज जो है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ भी हुई है। वहां पर भी 3 सीटें मांगी जा रही है, लेकिन उन 3 सीटों के लिए भी मोहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में स्थिति खराब होती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 2027 तक जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट रहते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। जहां अखिलेश यादव राहुल गांधी को तो भाइयों की तरह देखा जा रहा था, क्या अभी दोनों भाई हैं ये अलग होते नजर आएंगे? और अगर अलग होते हैं तो इसका कितना नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता है, और साथ ही साथ इसका कितना फायदा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।